गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी से अपना आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ, उसको कल तक कंटिन्यू करूँगी। और आज ना हमारे आज गणपति विसर्जन से एक दिन पहले का ये दिन है, तो ऑलमोस्ट हर सोसाइटीज़ में हर जगह पे ना ये हफ्ते से मंडे से पर्टिकुलरली भंडारा जो होता है वो शुरू हो गया है। हमारे घर के सामने भी गणपति का पंडाल है, वहाँ पे मंडे को भंडारा हुआ था, आज और एक जगह पे भंडारा हुआ है, आज हमारे सोसाइटी का भी गणपति का भंडारा है। तो आप लोगों को मैंने घर के गणपति पप्पा बताए हैं, ऑफिस के पप्पा के दर्शन कराए, चलो आज आपको मेरे सोसाइटी के पप्पा के भी दर्शन कराती हूँ। और अभी यहाँ पे पूरा आज ना बारिश हो गई है बहुत, इस बार गणपति में बहुत बारिश हुई, तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो प्लान किए थे ना इस बार गणपति में वो हो ही नहीं पाए। आज भी कुछ इवेंट्स थे बट वो कैंसिल कर दिए बारिश के वजह से। तो बारिश बहुत ज़्यादा है इसलिए बिल्डिंग के अंदर ही सब लोग वहाँ पे डिनर कर रहे हैं, भंडारा है। तो हम लोगों का वैसे तो डिनर हो गया है, भंडारा हुआ है खाना। तो चलो अभी आप लोगों को लेके चलती हूँ और सोसाइटी के पप्पा के दर्शन कराती हूँ। राजन का वाला महागणपति नांदला, गणपति नांदला। राजन का वाला महागणपति नांदला, गणपति नांदला। चला पहाटे पहाटे देव के भाषा जागला। दस दिन जो है वो इतने ज़्यादा रौनक से भरे हुए थे, इतने ज़्यादा रौनक से भरे थे। और अभी जब गणपति जी के जाने का टाइम हो रहा है ना, जैसे जैसे ये रात कट रही है ना, मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, इतना ज़्यादा, क्योंकि ये 10 दिन कब शुरू हो गए कब ख़त्म हो गए पता ही नहीं चला। तो अभी चलो पहले घर चलते हैं। ये मैं ऑफिस से आते से ही तुरंत नीचे चली गई थी और आज ऑफिस से भी लेट आई थी, क्योंकि उसको भूख भी लगी थी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो उसको जल्दी से डिनर करवा के दवाई देनी थी। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पहले तो मैं घर जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ और फिर आप लोगों से रात में मिलती हूँ या फिर सीधा कल सुबह मिलूँगी। और वीडियो ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि गणपति विसर्जन है, ऑफिस में भी मैं जाऊँगी और ऑफिस में काम करने के बाद ऑफिस में गणपति पप्पा की आखिरी, इस साल की आखिरी आरती करने के बाद फिर घर के गणपति पप्पा का भी विसर्जन होगा और हम लोग कहीं दूर जाने वाले विसर्जन के लिए। तो कैसे होगा क्या होगा सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा गाइस। चलो पहले घर चलते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सो आज ना लास्ट डे है, गणपति के विसर्जन का दिन है और सुबह सुबह जो है गणपति पप्पा की आरती कर ली है, गणपति पप्पा की पूजा कर ली है। और आज मन बहुत ज़्यादा उदास है क्योंकि गणपति पप्पा जाने वाले हैं अपने गांव, और उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग भी उनको जो है पहले सुबह का खाना खिलाएंगे, उनको भोग लगाएंगे, उसके बाद वापस एक बार आरती करेंगे और फिर विसर्जन के लिए जाएंगे। और आज क्योंकि अनंत चतुर्दशी है तो इसीलिए यहाँ पे गणपति पप्पा के जो सबसे फेवरेट होते हैं वो है मोदक, तो घर पे मम्मी जो है मोदक बना रही है, हाँ मम्मी मोदक की तैयारी कर रही है और साथ ही मैं जो है तो ड्राई फ्रूट्स को क्रश करके रख रही हूँ ताकि मोदक के अंदर का जो बैटर है वो रेडी हो। और यहाँ पे आलू जो मम्मी ने बॉईल किए थे उसको छीलते रख रही हूँ। सो
सो घर के काम करने के बाद, क्योंकि आज ना हम लोगों को ऑफिस भी है टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट से, इसीलिए ऑफिस भी है और गणपति पप्पा भी तो है ऑफिस में, उनका भी तो विसर्जन करना है, तो आज हाफ डे पे ऑफिस है, इसलिए मैं मॉर्निंग में जल्दी आई हूँ ताकि जल्दी से ऑफिस का काम भी जो है वो ख़त्म कर लूँ, यहाँ पे भी गणपति पप्पा की आखिरी आरती जो है वो करूँ और उसके बाद फिर घर जाऊँ, क्योंकि घर पर भी गणपति पप्पा के विसर्जन है, घर पर भी पूजा है, तो पहले चलो ऑफिस की भी पप्पा की आरती करते। तो ये है मोदक गणपति पप्पा का ऑफिस का प्रसाद, आप लोग भी इसे ले लीजिए। और इस मोदक से याद आया, मम्मी भी तो घर पे मोदक बना रही है ना, तो चलो मम्मी के मोदक किस तरह से बन रहे हैं वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। Later. शुक्र एक बार ऑफिस में नहा लिया है क्योंकि अभी विसर्जन करने के लिए हमको जाना है, हम लोग जाने वाले हैं कायगांव टोका, फिर वहाँ से आगे हम लोग जाने वाले देवगढ़। तो अभी मैं जस्ट फ्रेश हुई हूँ, थोड़ा वेट कर रही हूँ, हमारे जो महाराज जी वो आने वाले हैं पूजा के लिए और अभी थोड़ा सा टाइम है, तो तब तक के लिए मैं बोली यहाँ पे थोड़ा सा वेट करती हूँ, रेस्ट करती हूँ, क्योंकि आज ही मैं ये एडिटिंग करूँगी ताकि कल तक आपको ये वीडियो भी पहुँच जाए। तो चलिए वेट करते थोड़ा सा, फिर पूजा करते आके आप लोग। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी लेकिन आज विसर्जन के वक्त मैं पूरी तरह से तैयार हुई हूँ। गणपति पप्पा को जब हम विसर्जन करने के लिए जाएंगे, उनको पानी में विसर्जित करेंगे, उनके घर गणपति पप्पा जा रहे हैं, तो उनको भी खुशी खुशी अच्छी तरह से विदा कर रहा है और इसी के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने एकदम हल्का हल्का सा मेकअप किया है, अभी मेकअप कर रही हूँ और आप लोगों को मैं ना फाइनल लुक मेरा बताऊँगी। तो मैं साड़ी में कैसे देखती हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो जब गणपति अप्पा की स्थापना हुई थी ना, तब यही महाराज हमारे घर पे आए थे और उन्होंने संकल्प दिया था पीयूष के हाथ से, इस बार गणपति अप्पा की स्थापना हुई थी। और जब आप महाराज जी के हाथ से संकल्प लेके गणपति अप्पा की स्थापना करते हो ना, तो विसर्जन के वक्त भी वो संकल्प को छोड़ना पड़ता है, तो इसीलिए हमने महाराज को आज बुलाया था घर पे और वो भी घर पे आए हैं और पीयूष को जो है बता रहे हैं किस तरह से पूजा करना है, क्या है, संकल्प छोड़ना है। तो लास्ट में गणपति अप्पा के, अब आखिर में सच में वो टाइम आ गया है जब गणपति अप्पा के विसर्जन की पूजा हो रही है, तो आँखें बहुत ज़्यादा नम है, मन बहुत ज़्यादा उदास है, लेकिन
अगर आज गणपति बप्पा नहीं जाएंगे तो अगले साल जल्दी वापस कैसे आएंगे, बस यही चीज़ है। तो गणपति बप्पा की अभी ये पूजा हो रही है, उनको जो मोदक जो उनका सबसे ज़्यादा फेवरेट है उसका भोग लगा दिया है। गणपति देवता जल छोड़ दो प्रियता नमः बप और एक बड़ा गणपति बप्पा के पास खाले ये बैठ गए हमारे गणपति बप्पा घर से गाड़ी में अपने घर जाने के लिए, और उनको विदा करने के लिए हम सब लोग भी यहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे जो भी 10 दिन गणपति बप्पा की पूजा के लिए दुर्वा फूल वगैरह सब था ना, वो मम्मी ने एक तरफ कलेक्ट करके रखा था, और साथ ही साथ वहाँ पे विसर्जन के वक्त भी गणपति बप्पा की पूजा होगी तो उसका भी सामान लेके सब कुछ डिक्की में रख दिया है। और हम तीनों जो है पीछे बैठे हैं, आगे पापा गणपति बप्पा को लेकर जो है वो बैठे हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं कायगांव टोका, और साथ ही साथ देखो पूरे रास्ते में ना बड़े बड़े पंडाल के जो गणपति है वो, और ऐसे भी जो छोटे घर के भी गणपति है वैसे लोग जा रहे हैं। ये हमारे घर के पास ही ना एक आर्टिफिशियल तालाब जो बोलते हैं ना कृत्रिम तालाब बनाया था गणपति विसर्जन के लिए, लेकिन हम लोगों ने पहले से ही प्लान किया था कि हम लोग जो है कायगांव टोका जाएंगे। जो लोग औरंगाबाद से है वो लोगों को पता होगा यहाँ पे कायगांव टोका जो है वहाँ पे भी गणपति विसर्जन के लिए बहुत अच्छी तैयारी होती है, और बोट में जो है गणपति अप्पा को लेके जाते हैं और नदी के बीचों बीच जो है गणपति अप्पा का विसर्जन होता है, तो वहाँ पे चलते हैं। और ये देखो चलते चलते हम लोग पहुँच गए कायगांव टोका, तो हमारे घर से करीब 1-1.5 घंटे का रास्ता है वहाँ पे जाने के लिए। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब आज बहुत सारे लोग दूर दूर से आए हैं यहाँ पे, जो आसपास के एरिया के हैं, औरंगाबाद से बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे आए थे विसर्जन के लिए। तो अभी मन तो नहीं कर रहा है, बट बहुत ही हैवी हार्ट से हम लोग जो है आए हैं यहाँ पे। हम लोग पहुंच गए और जगह ढूंढ रहे थे हमारे गणपति बप्पा की आरती करने के लिए, और देखो यहाँ पे हमें एक पटिया मिल गया और इसी पे हमने गणपति बप्पा को रख के यहाँ पे आरती कर रहे हैं। और यहाँ पे ना मम्मी ने जो भी आरती का सामान लाया था, थाली लाई थी, वो मम्मी पूजा की थाली तैयार कर रही थी यहाँ पे गणपति बप्पा की आरती करने के लिए। तो फाइनली इस साल के गणेश चतुर्थी के इस गणपति बप्पा की यह आखिरी आरती होगी। और यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि इस तेज़ हवा में दिया लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था।
और ऐसे में गणपति बाबा जहाँ आरती के वक्त दिया लगाना मुश्किल हो गया था, अब वही आरती के बाद ये दिया इसी तरह यहाँ पर हवा में भी चल रहा है। कहते हैं ना कि गणपति बप्पा अपने पूजा की तैयारी खुद ही करवा लेते हैं, और ये गणपति बप्पा का ही आशीर्वाद है जो इतनी तेज हवा में भी हमारा दिया इसी तरह चलता रहा। तो आखिर बप्पा निकल ही गए अपने गांव के लिए। हमने तो गणपति बप्पा को इस नाव में चढ़ा दिया, लेकिन अब इतने सारे गणपति बप्पा में हमारे बप्पा किधर है ये ढूंढना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। हमारी आंखें बस हमारे बप्पा की मूर्ति को एक बार आखिरी बार देखने के लिए तरस रही है। तो देखते हैं कहीं दिख रहे हैं या नहीं हमारे बप्पा। तो
तो इतना ढूंढने के बाद आखिर मिल ही गए हमारे पप्पा। और चलो आप लोगों को भी हमारे पप्पा के आखिरी बार एक बार दर्शन कराती हूँ। ये देखो हरी धोती में लाल उपरना में हमारे गणपति पप्पा दिख रहे हैं ना आपको। तो चलो गणपति पप्पा बाय बाय, आप जाओ अपने घर और अगले साल ज़रूर आना, जल्दी से आना गणपति पप्पा मोरिया पुढ़चा वर्षी लवकरिया। और ये करते करते हमारी नाव हमारी आंखों के सामने से एक मिनट में कब जल्दी चली गई हमें पता ही नहीं चला। और यहाँ पर हमारे गणपति पप्पा पानी में चले गए। तो चलिए गाइज नहीं नहीं कर कर हो गए हमारे गणपति पप्पा के विसर्जन और हमारे गणपति पप्पा चले गए अपने गांव। इसी के साथ आज का वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक।